हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज जिस चीज़ की मैं बात करूंगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है, यानी कि वो बहुत ही छोटी चीज़ है भाई। मैं बात कर रहा हूँ ओमिक्रोन के बाद आने वाले न्यू वेरिएंट की, यानी कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट, जिसको हम एरिस के नाम से दोस्तों जानते हैं, और इसका कोड नेम है EG.5.1। दोस्तों, ये एशियाई ममालिक में बेहद ही तेजी से फैल रहा है भाई। इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर मोहतात रहने की ज़रूरत यकीनन हमें है। तो दोस्तों, मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला इसकी भी बायोलॉजी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट्स की थी। तो दोस्तों, उसी बायोलॉजी को इस्तेमाल करके जो स्प्रे बनाए गए थे, तो भाई वैसे ही स्प्रे हम घर में बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे गूगल से रिसर्च करने पे पता चला कि भाई वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, यानी हम घरेलू अशिया का इस्तेमाल करके एक ऐसा स्प्रे बनाएंगे जो इसके खिलाफ मौसर साबित होगा। तो भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक गिलास पानी। अगर आप चाहें तो दो गिलास पानी भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डिस्टिल वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दो गिलास पानी लेंगे तो हर चीज़ आपको डबल करनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरे पास है यहाँ पर वाइट विनेगर, इसका एक चमचा मैं ले लूँगा। अब बारी आती है यहाँ पर मेरे पास थिनर की। दोस्तों, थिनर भी एक टीस्पून मैंने ले लेना है। अब दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर मौजूद है डिटोल, डिटोल भी एक टीस्पून यानी एक चमचा ही मैंने ले लेना है। दोस्तों, अब बारी आती है आधे कटे हुए नींबू की। तो दोस्तों, एक गिलास पानी के अंदर आधा नींबू काफ़ी होगा। तो गाइस, अब इस सब चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे, सारा मिक्सचर बना के इसको एक गिलास के अंदर डालेंगे ताकि बआसानी स्प्रे की बोतल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। तो दोस्तों, ये आपका स्प्रे बिल्कुल ही तैयार है।